लेट्स टू क्वेश्चन स्क्वायर बी प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर राइट फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स ये हमें दिख रहा है एट ए का होल क्यूब ये हमें दिख रहा है बी का होल क्यूब राइट फ्रेंड्स अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन सिक्स कॉमन है ए कॉमन है, है और बी कॉमन है तो क्या बच गया अंदर टू ए बच गया क्योंकि एक ए निकल चुका एक बी निकल चुका तो दो थे प्लस इसमें से बी बच गया राइट फ्रेंड्स अब देखिए टू ए का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब इसको क्या लिख सकते हो थ्री टू ए के साथ देखिए टू ए है तो टू ए बी लिख दू और टू ए प्लस बी लिख दू तो कोई प्रॉब्लम खोलेंगे तो भी सिक्स ए बी आएगा अब ये देखिए ये फॉर्मूला होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता था ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला तो ये क्या आ गया ए की जगह हम क्या लिखेंगे टू ए और बी की जगह बी ही लिखेंगे का होल क्यूब आप चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं। मैंने कई जगह यही छोड़का है आप चाहें तो इसको फैक्टराइज देख के ऐसे भी लिख सकते हैं टू ए प्लस बी एंड टू ए प्लस बी इज द आंसर इू सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट इज एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ साइन का फर्क है तो देखिए इसको क्या लिखेंगे टू ए का होल क्यूब इसे क्या लिखेंगे बी का होल क्यूब इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया और सिक्स ए बी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा टू ए माइनस बी राइट फ्रेंड्स तो ये क्या हो गया टू ए का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू टू ए इंटू बी लिख दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं खोल के यही आएगा तो ये ब्रैकेट में लिख दिया टू ए माइनस बी तो अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता था ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी ये हमारा फॉर्मूला होता था ए माइनस बी के होल क्यूब का तो ए क्या हुआ टू ए और बी क्या हुआ बी का होल क्यूब तो इसको क्या लिख सकते हैं टू ए माइनस बी टू ए माइनस बी एंड टू ए माइनस बी इज द आंसर आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं ये भी कर सकते हैं लेट्स टू थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट इज ट्वेंटी सेवन माइनस वन ट्वेंटी फाइव ए का q माइनस वन थर्टी फाइव ए प्लस टू टू फाइव ए स्क्वायर राइट फ्रेंड्स? तो देखिए ये किसका क्यूब है थ्री का क्यूब है राइट right फ्रेंड्स? आपको क्यूब cube, क्यूब्स याद करने पड़ेंगे एटलीस्ट नाइन तक राइट फ्रेंड्स? ये किसका क्यूब है फाइव ए का क्यूब है राइट नाउ माइनस कॉमन लिया और क्या कॉमन निकल सकता है इसमें से देखिए अगर ऐसे नहीं पता चल रहा आपको देखने से तो इधर साइड में थर्टी फाइव एंड टू टू फाइव के फैक्टर्स निकालेंगे एक तो हमें फाइव कॉमन निकल रहा है फाइव टू टेन फाइव सेवन जटी फाइव फाइव फोर ज ट्वेंटी फाइव फाइव जी कॉमन निकल गया थ्री नाइन जी सेवन एंड थ्री वन 3 थ्री फाइव 15 अगेन थ्री कॉमन निकल गया थ्री थ्री नाइन एंड थ्री फाइव फिफ्टीन तो कितना कॉमन निकल गया फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री इसको मैं ये वाला थ्री ये लिखा थ्री इंटू फाइव ए एक तो ए भी कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा अंदर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको ऐसे लिख दू थ्री थ्री जन नाइन फाइव ज फोर्टी फाइव ए वन एंड द सेम थिंग तो अंदर क्या बचा अंदर बचेगा थ्री इसके नीचे वाला थ्री यहाँ बचेगा थ्री और प्लस बाहर है अंदर ऊपर है, है और माइनस कॉमन निकला है तो माइनस आएगा ऊपर वाले का ऑपोजिट साइन और टू टू फाइव के नीचे क्या है फाइव टू फाइव और यहाँ एक ही दो थी एक ही निकला है तो एक ए अब देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ थ्री का क्यूब माइनस फाइव ए का होल क्यूब इसको मैंने लिख दिया जो मैं पहले स्टेप करना चाह रही थी फाइव ए खोलूंगी तब भी यही आएगा थ्री माइनस फाइव ए ये किसका हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी किसका आ गया ए माइनस बी के होल क्यूब का तो ए क्या हुआ थ्री माइनस बी क्या हुआ फाइव ए का होल क्यूब तो इसको क्या लिख सकते हैं थ्री माइनस फाइव ए थ्री माइनस फाइव ए And 3 minus 5a is the answer. Let's do fourth part. Fourth part is 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. Right friends. So what is this? This is 4 ka cube. 4a ka whole cube. Because 4 into 4 is 16. 16 4 is 64. राइट फ्रेंड्स माइनस ये होता है थ्री बी का होल क्यूब अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है कैसे निकालेंगे देखिए इधर देख रहे वन फोर्टी फोर एंड वन जीरो एट के फैक्टर्स निकालते हैं तो थ्री से जाएगा थ्री मोस्टली इन वाली वैल्यू से ट्राई करे अगर ये थ्री फोर जो ट्वेल्व थ्री सिक्स एट ज ट्वेंटी फोर थ्री थ्री जो थ्री सिक्स ज एटीन फोर से फोर वन ज फोर फोर टू जट फोर नाइन ज थर्टी सिक्स एक और थ्री से क्योंकि थ्री ए बी ये थ्री इसके साथ वाला और ये थ्री ए बी फॉर्मले वाला थ्री फोर जुवेल्व थ्री थ्री तो ये देखिए क्या बचा माइनस का कॉमन निकलेंगे थ्री थ्री 9, नाइन फोर जटी सिक्स एक ए दोनों में कॉमन है और एक बी दोनों में कॉमन है राइट फ्रेंड्स तो अंदर क्या बचेगा वन फोर्टी फोर के नीचे वाला फोर ए के बाहर निकला है दो थे तो प्लस यहां प्लस था लेकिन माइनस बाहर कॉमन निकल गया तो माइनस हो गया हंड्रेड एंड एट के नीचे वाला थ्री बी राइट फ्रेंड्स तो ये आ गया फोर ए का होल क्यूब माइनस थ्री बी का होल क्यूब माइनस थ्री एन टू मैं लिख रही हूं फोर ए एन टू थ्री बी खोलूंगी तो फिर यही आएगा फोर ए माइनस थ्री बी राइट नाउ अब ये देखिए किसका फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी ये किसका फॉर्मूला होता था ए माइनस बी के होल क्यूब का राइट right, फ्रेंड्स तो ए क्या हो गया फोर ए माइनस थ्री बी का होल क्यूब तो इसको क्या लिख सकते हैं फोर ए माइनस थ्री बी फोर ए माइनस थ्री बी एंड फोर ए माइनस थ्री बी इज द आंसर 1 1 216 9 upon 2p plus 1 upon 4p देखिये right, ये देखिए हमारा थ्री पी का होल क्यूब माइनस वन अपॉन टू वन सिक्स चाहे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं ये वैसे सिक्स का क्यूब होता है मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ राइट फ्रेंड्स इसलिए मैं कह रही हूं प्लीज आप याद कर लीजिए का होल क्यूब माइनस इसको क्या लिख सकती हूँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है वन अपॉन टू राइट फ्रेंड्स वन अपॉन टू पी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है नाइन बच रहा है अगर मैं नाइन इसको देखिए ऐसे ना करके अगर मैं इसको ऊपर वाले को लिखू थ्री इंटू थ्री अपॉन टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू इंटू टू पी राइट फ्रेंड्स आप देखिए थ्री पी का होल क्यूब माइनस वन अपॉन सिक्स का होल क्यूब अब हमें पता है थ्री पी ए आ गया और वन अपॉइन सिक्स बी आ गया तो देखिए थ्री ए लिख रही हूं थ्री पी और B लिख रही हूं वन अपॉन सिक्स राइट फ्रेंड्स अगर मैं इसे काटू थ्री थ्री और ये देखिए नाइन अपॉन सिक्स तो इसको थ्री वन जी थ्री टू जिक्स तो थ्री बचा थ्री अपॉन टू दैट मीन्स मैं थ्री अपॉइन टू कॉमन निकाल सकती थी और अंदर क्या बचेगा एट मीन्स थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स इसको एज इट इज लिख दिया मैंने एज इट इज इन सेंस मैंने इसको फॉर्मले की फॉर्म में लिख दिया ए की जगह ये लिखा और बी की जगह ये लिखा क्यों क्योंकि हमें यहां से पता नहीं चल पा रहा था हम क्या कॉमन ले अकॉर्डिंगली देखें तो वन अपॉइंट टू कॉमन लिख रहा था और नीचे अंदर नाइन बच रहा था राइट right फ्रेंड्स तो अब देखिए अगर मैं इस, इस पूरे पार्ट को खोलती हूँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ तो क्या आएगा नाइन अपॉन सिक्स पी इन टू थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करती हूँ तो माइनस का थ्री 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 टू जो सिक्स तो ये नाइन अपॉन टू पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये खोलती हूँ नाइन अपॉन सिक्स इंटू वन अपॉन सिक्स तो देखिए थ्री टू जी टू जो वन अपॉइंट फोर पी आ गया यही आ गया बिल्कुल राइट right फ्रेंड्स तो इसकी जगह मैंने इसलिए ये लिख दिया अब ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया तो ये किसका है ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आप ऐसे ही करके देखेंगे ठीक है एग्जाम में ऐसे ही करके आएंगे तो ये क्या हो गया ये क्या था थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स का होल क्यूब तो ये क्या लिख सकते हैं थ्री पी माइनस वन अपॉन सिक्स 3p minus 1 upon 6 3p minus 1 upon 6 is the answer. Thank you. If you understand the step by step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.